नमस्कार छात्रों, कैसे हो? घर पर रहते हो तो बढ़िया ही होंगे। तो छात्रों, गीतांजलि परिवार में मैं आप सभी का आज फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, मेरा नाम है वाघेला पायल और आज हमें जिस टॉपिक की चर्चा करनी है वो है विषय हिंदी में। व्याकरण विभाग में आज हम सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आगे के क्लास में हमने जो भी व्याकरण के टॉपिक देखे वो भी एक बार वीडियो उसके फिर से देख लेना। कुछ न समझ में आए तो आप स्कूल पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो छात्रों, हम जानते हैं कि हम भाषा के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसमें व्याकरण विभाग भी आता है और लेखन विभाग भी आता है, जिसमें कहानी लेखन। आप सबको कहानी लेखन, कहानी सुनना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे की क्लास में हमने कहानी लेखन के बारे में भी चर्चा की थी। तो छात्रों, ये जो लेखन विभाग के उपरांत व्याकरण विभाग भी आता है। व्याकरण में ऐसे कई सारे टॉपिक होते हैं, जिसमें से आज हमें इसकी चर्चा करनी है, सर्वनाम की चर्चा करनी है। तो छात्रों, में यहाँ पर कुछ वाक्य लिखती हूँ, उसके बाद हम उस वाक्य को पढ़ेंगे। तो छात्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ राम नाम
तो अगर राम ही राम दो बार आएगा तो हमें वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप दूसरे वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें राम संज्ञा के बदले दूसरी संज्ञा का उपयोग हुआ हुआ ना, संज्ञा की शब्द यानी कि राम संज्ञा के बदले यहाँ पर मे संज्ञा का उपयोग हुआ जो हमें सुनने में और बोलने में अच्छा लगेगा, वो हमारे कर्म क्रिय होगा। और दूसरे वाक्य में देखो कि सैनिक ही खुद बोले कि सैनिक लड़ेंगे तो यह हमें बोलने में और सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते कि सैनिक संज्ञा जो है वो एक से दो बार आ रही है, कितनी बार आ रही है, दो बार आ रही है। सैनिक बोले हम लड़ेंगे तो यहाँ पर हम संज्ञा का उपयोग हुआ। उसी प्रकार आरती ने आशीष से पूछा, आशीष कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आशीष संज्ञा जो है वो कितनी बार आ रही है, दो बार आ रही है। लेकिन नीचे के वाक्य में जब हम पढ़ेंगे कि आरती ने आशीष से पूछा तो कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर आशीष शब्द जो है संज्ञा जो है जिसके बदले हमें किस संज्ञा का उपयोग हुआ, का उपयोग हुआ। तो छात्रों यहाँ पर तुम हम और मैं यह जो सारे हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संज्ञा के आधार पर किसी दूसरी संज्ञा को रखा जाए तो उसे क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को यहाँ पर राम संज्ञा जो है जिसके स्थान पर यह जो दूसरा शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ जिसका उपयोग हुआ उसे हिंदी व्याकरण में क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि संज्ञा के नाम स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त यानी कि प्रयोग करने वाले दूसरे शब्द को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। छात्रों आप देख सकते हैं कि राम शब्द यहाँ पर दो बार आया, मैं आपको फिर से एक बार समझा लेती हूँ कि यहाँ पर राम शब्द कितनी बार आया, दो बार, जो हमें बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें खटकेगा कि ऐसे थोड़ी ना वाक्य बनता है ऐसा वाक्य कि राम ने कहा राम अच्छा लगता है, ऐसा वाक्य नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप दूसरे वाक्य में देखो कि राम जो संज्ञा है जिसके बदले हमने किस शब्द का उपयोग किया, मैं का किया। यहाँ पर आप पढ़ो कि राम ने कहा मैं अच्छा लगता हूँ, तो यह वाक्य हमें बोलने में भी और सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारी सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा लिखूंगी जो आपको भी मेरे साथ साथ लिखनी होगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, छात्रों सर्वनाम कहा जाता है। तो छात्रों अब हम सर्वनाम के कुछ प्रकार है जिसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पर उसके प्रकार भी लिखती हूँ और मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक में लिखते जाना।
सर्वनाम के कितने प्रकार है? छह प्रकार है, जिसकी पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा यानी कि आखिरी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो छात्रों ये भी आप अपनी नोट बुक में लिख लो। चलिए अब हम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका पहला प्रकार उसके बारे में चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन प्रकार है, सारे प्रकार आपको याद रखने होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करते हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम यहां देखिए, सर्वनाम का जो पहला प्रकार है वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने प्रकार है? सर्वनाम के छह प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्नार्थक सर्वनाम। तो छात्रों उसमें से पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो जिसके भी कितने प्रकार है? तीन प्रकार है, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो छात्रों यहाँ तक हम रखते हैं, आगे की क्लास में पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम के बारे में माहिती प्राप्त करेंगे। तो छात्रों आपको संज्ञा की सर्वनाम की परिभाषा तो याद होगी, क्या है संज्ञा की परिभाषा? आपके वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो छात्रों इसी व्याकरण में आपको सर्वनाम भी आप जैसे जैसे आपको ऐसा लगेगा कि हम अभी तो छोटी कक्षा में हैं तो हमें व्याकरण में तो कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होंगे आगे बढ़ोगे तो आपको व्याकरण में सभी व्याकरण के टॉपिक आपको पढ़ने को आएंगे। तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप देंगे ही क्योंकि आपको अच्छी सी नौकरी करनी है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करोगे ही। तो छात्रों इस प्रकार हमारे जो व्याकरण है वो हमें आगे भी काम में आएगा। तो छात्रों आज का मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ कि मैंने आपको जो पहले सर्वनाम के बारे में मैंने आपको बताया कि जिसे मैंने लिखा था कि राम ने कहा राम अच्छा लड़का है, तो उसी प्रकार हमने नीचे वाक्य लिखा था कि राम ने कहा मैं अच्छा लड़का हूँ। तो उसी प्रकार आपको ऐसा बनाना है वाक्य जिसमें आप दूसरी संज्ञा का उपयोग करेंगे, लेकिन जब हम दूसरा वाक्य सर्वनाम का उपयोग करके बनाएंगे जिसमें हम सर्वनाम रखेंगे मैं हम तुम उसी प्रकार, तो आपको ऐसे उदाहरण कितने लिखने हैं? 10 उदाहरण इस प्रकार के आपको लिखने हैं, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको उदाहरण के आधार पर सर्वनाम की परिभाषा स्पष्ट कराई, तो उसी प्रकार आपको ऐसे उदाहरण लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 10 लिखने हैं। तो छात्रों अब हम यहीं तक रखते हैं, आगे की क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो देखते रहिए।